अक्सर लोगों को गाना निकालने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपका ये जो दिक्कत है ना, इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपको गाना निकालना भी आ जाएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। देखिए, गाना निकालने से पहले आपको कुछ छोटी सी बातों का अनुभव होना जरूरी है कि हमारे भारतीय संगीत में टोटल 12 स्केल होते हैं, जैसे कि पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, फिर पहली सफ़ेद, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, मतलब कि एक गाने को हम 12 जगह से बजा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको जो आनी चाहिए, आप मान चलो कोई भी गाना लेते हैं, तो आपको पहले गाना निकालना नहीं है, तुरंत गाना नहीं निकालना। सबसे पहली चीज़ है, आप ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए आज से। मान चलो मैं यहाँ से दूसरी काली स्केल ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक गाना लेता हूँ, जैसे लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको स्केल समझ के उस गाने को गाना आना चाहिए, है ना। मान चलो मैं यहाँ पे ये ले रहा लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, है ना। पहले ये चीज आनी चाहिए, फिर यहाँ से ट्राई करिए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। ये चीज आप 12 की 12 स्केल से ट्राई करिए, फिर गाना निकालने बैठिए, है ना। ऐसे गाने का मैंने अभी सिर्फ पहला पार्ट गा के दिखाया, आप ऐसे अंतर पार्ट भी गा के चेक करिए। जब आप डिट्टो गाना गाने लग जाएंगे ना, अभी देखो मैं गाने में कुछ होगा मेरा, मैं बिल्कुल डिट्टो कॉपी तो नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं 100 में से 80% तो मैं कॉपी कर पा रहा हूँ। अगर मैं 100 में से 80% गाने को गा सकता हूँ ना बिना बजाए स्केल को पकड़ के, तो समझ लीजिए मैं 80% गाना ढूंढ लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपकी यही कमी, आप अपनी कमी पहचानिए कि आपकी कमी क्या है। क्या आप एक स्वर को पकड़ के पूरा गाना गा सकते हैं? ठीक है, अगर नहीं गा सकते तो उसी चीज के ऊपर काम करिए। जब ये चीज आने लग जाएगी, मैं आपको बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको गाना निकालना चाहे और आपको रोके, फट से निकलेगा गाना। लेकिन पहली चीज यही है, आपको इसी के ऊपर काम करिए। आप अपने मनपसंद कुछ गानों का लिस्ट बनाइए, 10-50 जो भी आपके गाने हैं, उनको पहले ऐसे गा गा के चेक करिए 12 के 12 स्केल से। जब ईमान की चलो आपने एक गाना पकड़ा, लिखे जो कहते, आपने 12 के 12 स्केल से एकदम 80% सही गा लिया, तो आप उस गाने को निकालिए, वो गाना आपका निकलेगा 101% निकले। ऐसे ही दूसरा गाना पकड़िए, पहले उसको ट्राई करिए, फिर निकालिए, निकलेगा। अगर ऐसे करने से आपको नहीं निकल पा रहा, मतलब कि आप डिट्टो कॉपी नहीं कर पा रहे, तो मतलब कि आपका बेसिक जो थ्योरी है ना संगीत का, जो बेसिक व्याकरण है, वो आपका वीक है। तो फिर आपको क्या करना होगा, आप अलंकार बजाइए, अलंकारों के ऊपर काम करिए, स्केल के ऊपर काम करिए, है ना। जो थाट है आप उनको बार बार बजाइए, तब जाके ये चीज़ अपने आप अंदर आएगी, है ना। ये चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, यही आपका एक तरीका है जिससे आपका पता कर सकते हैं कि आपकी कमी क्या, आपकी गलती क्या। जब आपको आपकी कमी पकड़ में आएगी ना, तब आपको अपने आप समझ में आएगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से मुझे सीखना चाहिए, किस तरीके से मुझे काम करना चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके साथ भाई के नाते एक गुरु मंत्र शेयर किया है कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करें तो आप अपनी गलती को भी पकड़ पाएंगे, और आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप गाना भी निकाल पाएंगे। गाना कोई मुश्किल काम नहीं, गाना तो बहुत ईजी है। जब आपको सारी चीज़ समझ में आ गई तो फिर गाना क्यों नहीं निकलेगा ना, अपने आप निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते अगली वीडियो में।